कथावाचक यामिनी साहू को फोन पर मिली धमकी से आक्रोशित सर्व समाज ने दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना देकर आक्रोश जताया। कथावाचक श्रीमती यामिनी साहू की कथा वाचन को लेकर फोन पर जातिगत आधार पर कथा वाचन का अधिकार नहीं होने का आरोप लगाते हुए अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई धमकी से सर्व समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं और इसी आक्रोश के चलते सर्व समाज के लोगों ने हिंदी भवन के सामने धरना दिया। इस मौके पर सर्व समाज के लोगों ने कथावाचक यामिनी साहू के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि ज्ञान अर्जन के लिए जाति को आधार बनाना अनुचित है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी ओछी मानसिकता रखकर यामिनी साहू को दी गई फोन पर धमकी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मौके पर सर्व समाज के लोगों ने दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी भूषण इक्का को ज्ञापन सौंपा और फोन पर धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। कथा वाचन करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं दिया गया, क्योंकि संविधान में लिखा गया कि सभी मनुष्य समान है, कोई जाति पाति ऊंच नीच नहीं, और पढ़े लिखे युग में ऐसा विरोध करना तो बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे सभी समाज के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास ज्ञान है, उनका कोई जाति नहीं होता, कोई पाति नहीं होता है, उनको सब करने कथा वाचन करने का, भागवत करने का सबका अधिकार मिले। ऐसा नहीं कि हम क्षुद्र जाति में जन्म लिए हैं तो हमें अधिकार नहीं है। हम चाहते हैं कि ये भावनाएं बदलनी चाहिए और महिलाओं को सम्मान होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी शर्म की बात है हम महिलाओं के लिए, और बहुत बड़ी शर्म की बात है क्योंकि महिलाओं को अभी से नहीं शुरू से दबाते हुए यहाँ आए हैं, तो हम आगे ऐसा नहीं होने देंगे। अगर अभी जो भी पंडित जी ने उनको धमकी दिया, हम चाहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर ये अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।